हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी सीखे चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ थॉमसन मेथड के बारे में। इस थॉमसन मेथड में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक चार्ज को फाइंड आउट करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज, अब देखिए जो स्पेसिफिक चार्ज है जिसे ई बाई एम कहते हैं, इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। एक तो मैग्नेट्रॉन मेथड है, दूसरा होता है थॉमसन मेथड। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ थॉमसन मेथड के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखने का तरीका, ठीक है, और साथ ही समझाऊंगा भी कैसे करना है, और इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी लेकर आऊंगा कि आपको जो है प्रैक्टिकल जैसे ये जैसे इसमें रीडिंग कैसे निकालनी है। तो पहले आप थ्योरेटिकल समझ लीजिए, फिर आपको प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो पहले आपको लिखना होता है, फाइल में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट या फिर कुछ लिखते हैं एम, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रैक्टिकल में करना क्या चाहते हैं, क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वही हम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है या हमारा एम क्या है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हम स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन बाई मास, बाई इलेक्ट्रॉन का ही मास रहता है। किसके थ्रू निकालेंगे, थॉमसन मेथड का यूज़ करके, ठीक बात। देन अब देखिए एपरेटस रिक्वायर्ड, तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको कौन कौन से उपकरण चाहिए, कौन कौन से एपरेटस चाहिए। तो उसके लिए आप क्या क्या चाहिए, कैथोड रेड ट्यूब ये सीआरटी चाहिए, और पावर सोर्स चाहिए आपको, ठीक है, पावर सोर्स यानी कि वोल्टेज सप्लाई, और पेयर ऑफ बार मैग्नेट चाहिए आपको, और कंपास चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको चाहिए फॉर्मूला यूज। तो आप देखिए कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन जैसे स्पेसिफिक चार्ज आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डेल्टा एल, या तो आप इसे डेल्टा एल कहेंगे या फिर आप क्या कहेंगे वाई, यानी कि वाई में वाई एक्सिस में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, या तो डेल्टा एल कहेंगे या फिर वाई, ठीक। वी आपका वोल्टेज, कितना वोल्टेज आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, और ये 10^7 ये फॉर्मूले में ही है। और आपका क्या है डी, डी आपका क्या है प्लेट की बीट की जो प्लेट है, प्लेट के जो है हाइट है ये, ठीक है ना, ये प्लेट की जो है हाइट है। और ये जो एल है, एल आपका क्या है, ये आपका जो है स्क्रीन, स्क्रीन और जो प्लेट है, प्लेट और स्क्रीन के बीच की जो है लेंथ है, जो कि ऑलरेडी आपको दिए रहते हैं। डी भी आपको जो है दिया रहेगा क्योंकि ये कैथोड ट्यूब के अंदर की बात है। और ये जो आई देख रहे हैं ये एक्चुअली स्मॉल एल है, ठीक है, ये स्मॉल एल है, और ये स्मॉल एल आपका क्या होता है जो आपकी प्लेट है जो कैथोड ट्यूब के अंदर लगी हुई है, ये उसकी लेंथ होती है, ठीक है, अभी मैं बताऊँगा। और जो बी है, बी आपका जो है मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई करते हैं जो कैथोड ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। तो बी को जो होता है एच टेन स्क्वायर डेटा, एच आपका क्या है हॉरिजॉन्टल में कितना जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से, और टेन डेटा, ठीक है, और टेन डेटा के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके कहते हैं इलेक्ट्रॉन मास यूनिट पर ग्राम, इसके यूनिट होते हैं, आप याद रखिए, ये जो है आपका बायो में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन मास यूनिट पर ग्राम, ठीक। अब देखिए या अब इनके देख लेते हैं, ये भाई मैंने आपको बताया ये भाई यहाँ आपका स्पेसिफिक चार्ज होता है डेल्टा एल, या फिर और आपको कहें क्या वाई, वाई आपको क्या टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन, यानी कि वाई वाई एक्सिस में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। वी आपका अप्लाइड पोटेंशियल, कितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं। एल आपकी वाली क्या है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम एज ऑफ प्लेट, ऑफ प्लेट है ये, ठीक है, स्क्रीन से जो प्लेट के। अब देखिए यहाँ अभी मैं आपको कैथोड ट्यूब बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको जो है पता हो जाएगा कि यहाँ पे जो है एक प्लेट होती है यहाँ पे, और यहाँ से देखिए कि स्क्रीन यहाँ पे लगी होती है, तो इस प्लेट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस आपकी कैपिटल एल होती है, जो कि आपको क्योंकि ये कैथोड ट्यूब के अंदर की बात है तो इसलिए ये जो आपको पहले से दिया हुआ रहता है, ठीक। स्मॉल डी आपका क्या है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, यानी कि ये वाली प्लेट्स और ये वाली प्लेट्स, इन दोनों प्लेट के बीच की हाइट, इसको हम क्या बोलते हैं डी, ठीक। एल आपका क्या होता है लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, यानी कि इनकी लेंथ कितनी है, जैसे एक प्लेट है ऊपर लगी हुई है तो इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी, ये जो है एक प्लेट की लेंथ जैसे एल है तो दूसरी की भी एल है, तो ये आपका एल होती है, इन दोनों की दोनों प्लेट एक जैसी होती है तो इनकी लेंथ होगी, ठीक है। और आपका थीटा आपका क्या होता है, थीटा आपका जो है कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, थीटा में थीटा टू थीटा थ्री, इसको मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखिए अब देखिए इसका मेन पार्ट आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है, एल की वैल्यू आपको पता रहेगी, वहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखते हैं क्योंकि कैथोड ट्यूब के अंदर की बात है तो ये हमें एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है ऑलरेडी हमें पता होती है। तो अगर नहीं, अगर आप ये मत समझिए इन सबको निकालना है, आप पहले से रखिए इन सबको बारे में आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू कैथोड ट्यूब के अंदर की बात है तो ये जो है ऑलरेडी जब आप खरीदने जाएंगे तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी मिलेगी वहाँ पर कि इसकी एल की वैल्यू इतनी है, वो प्लेट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस इतनी है, और प्लेट के दो प्लेट जो उसमें लगी है उसके बीच की हाइट कितनी है, और ये जो एल है यहाँ पर एल, ये एल आपका कितना है 1.6, या एल आपका क्या है
प्लेट की लेंथ कितनी है, ये जो ऊपर एक प्लेट लगी हुई है, ये जो ऊपर एक प्लेट लगी है इसकी लेंथ कितनी है। एच आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट फील्ड, जो कि आपका कितना है 0.38 गॉस में होता है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैंने ऊपर बताया था उसे काट दीजिए, आप इसे ही फोकस करिए। तो आपका एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या आपका फिक्स होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है ये दिखाई देगा, ये आपकी कैथोड ट्यूब जो है आपकी इस तरीके से होती है, कैथोड ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है आप देख रहे हैं हीटर होता है, हीटर से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, इस तरीके से पास होते हैं। और ये आपके क्या है, प्री एसेलरेटिंग एनोड होता है ये, और ये आपका क्या होता है, फोकसिंग एनोड। एनोड आपको पता है पॉजिटिव होता है, एसेलरेटिंग एनोड होता है जो कि एसेलरेट होता है कंटिन्यू। ये आपका बीम है, ठीक है, ये वाला आपका, ये वाला कौन सा है, ये वाला जो है ये आपका बीम दिखा रहा है। ये आपका पिंस होती है यहाँ पर, यहाँ से जो आप लगाते हैं इसे, एक तरीके से बल्ब की तरह हो गया, जैसे आप होल्डर में लगाएंगे तो इस यहाँ से जो है हीटर पर वो लाइट जलेगी और उस लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस तरीके से पास होंगे, ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये था इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि इस हीटर से लेके बीम तक का पार्ट आपका इलेक्ट्रॉन गन होता है, इसके अंदर जो भी प्रोसेस होती है उसे इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला आपकी क्या होती है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है, ये वाली जो ऊपर उठी हुई है, ये क्या है, एक्वेज कोटिंग, यहाँ पे कोटिंग की जाती है। ठीक है, इसके ऊपर ये आपका बीम हो गया, और ये क्या है, फॉस्फोरस स्क्रीन, यहाँ पे जो है फॉस्फोरस की स्क्रीन रखी होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, यह सभी आपको समझ आया होगा। ठीक, चलिए कैथोड ट्यूब आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे देखिए, उसके बाद आपका आता है, देखिए अब आप जो भी कैलकुलेशन वैल्यू निकालेंगे उससे पहले जो है आपको क्या, टेबल टेबल में वैल्यू निकालेंगे तभी तो, अब तो पहले टेबल को देख लेते हैं उसके बाद कैलकुलेशन पे आएंगे। तो देखिए टेबल में आपको क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल करेंगे, उसके बाद आता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में आप देखिए ये प्रैक्टिकल काफ़ी लंबा हो जाता है अगर आप तीन वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे, तो आप एक ही वैल्यू में इसकी एक्यूरेट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक वैल्यू में ही किया है मैंने, अब चाहे तो आप इसे तीन वैल्यू के लिए कर सकते हैं। तो आप देखिए इसका जो है एक ये बनेगा, पहले टेबल बनेगी, सीरियल नंबर लिखा, अप्लाइड पोटेंशियल आपका यहाँ पे दो तरीके से होता है, पोलरिटी यहाँ पे होता है कि नेगेटिव पोलरिटी रहती है और पॉजिटिव पोलरिटी रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिफ्लेक्शन आता है। अगर आप नेगेटिव पोलरिटी रखते हैं तो आपको क्या आता है, प्लस वाई में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, अगर आप पॉजिटिव पोलरिटी रहते हैं तो नेगेटिव वाई में आपका डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों होता है, अब क्योंकि इन ये जो प्लेट की जैसे ये प्लेट है यहाँ पर, ये भी जो है क्या कैथोड एनोड जो है रहती है, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन आता है अगर पॉजिटिव यहाँ पर रहता है तो ये इधर निकल जाता है, यानी वाई में डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, अगर पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाता है, तो नेगेटिव वाई में जो आपका डिफ्लेक्शन दिखाई देता है इस तरीके से। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन स्क्रीन, अब देखिए क्या है, प्लस फाइव में करते हैं तो इनिशियल, अब देखिए यहाँ पे तो टू है यहाँ पर इनिशियल, बट लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए मैंने तो टू से किया था बट लेकिन आपको कहाँ पे लेके आना है, जीरो पर, अगर जीरो पे आ जाता है तो सही है, नहीं तो आप टू से ही इनिशियल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए आपने जैसे प्लस फाइव पोटेंशियल लगाया, नहीं प्लस फाइव को आप बाद में लगाएंगे, पहले आप क्या देखेंगे, पहले आप जो है इसे जीरो पे फिट करेंगे, उसके बाद प्लस फाइव पोटेंशियल जैसे ही आप करते हैं तो आपको जो है फाइनल आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्पॉट, वाई एक्सिस में आपको जो है पाँच पर स्पॉट दिखाई देगा, वहाँ पे गिनने के लिए रहता है, आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल निकालना है आपको, और देखिए जो मैंने आपको बताया था डेल्टा एल या फिर क्या होते हैं, डेल्टा एल या फिर वाई, तो ये आपका हुआ कितना वाई, तो y का मतलब क्या हुआ, y में डिफ्लेक्शन कितना हुआ है। ठीक है ना, तो y में कितना डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये आप जो है अब डायरेक्ट आपको यहाँ से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इनिशियल इतना था फाइनल इतना था, और अगर आप y में देखेंगे दो डायरेक्ट देखिए कितना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट दो को जीरो ही मान के चलिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि जीरो ही मान के चलते हैं, तो ये दो पे आता था इसलिए मैंने दो को जीरो मान लिया और ये आया इतना। ठीक है, तो तो आपका जो है जीरो से लेके जो है कितना आपका वाई ऊपर चढ़ा वो उसकी वैल्यू आप जो है यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और वही निगेटिव पोलरिटी में भी आप करेंगे तो जो है डिफरेंस आपका सेम ही आएगा, सिक्स वैल्यू, तो ये जाएगा नीचे सिक्स जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये डेल्टा डिफरेंस होता है, तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट आप लगाते हैं जैसे आप कैथोड ट्यूब रखते हैं। ठीक है, कैथोड ट्यूब रखने के बाद अब आप क्या करेंगे कि उसमें आप क्या करते हैं, सेटअप आपका रहता है कैथोड ट्यूब आप यहाँ पे रखते हैं, उसके थ्रू जो आपका पॉइंट जो है वाई एक्सिस में ऊपर जाता है, तो कैथोड ट्यूब के ये जो बार मैग्नेट रखते हैं इसके थ्रू आप उसी पॉइंट को आप जीरो पर लेकर आते हैं। ठीक है,
तो अगर आप जिस पॉइंट पे जीरो आते हैं तो दोनों तरफ से आप जो है 12 मिनट लेंगे, यहाँ से भी 12 मिनट लेके आते हैं, यहाँ से भी 12 मिनट लेके आते हैं। मान लीजिए कि वाई पे ऊपर 5 पे चला गया, तो आप इसे यहाँ से खिसकाएंगे और यहाँ से इसे खिसकाएंगे, तो इस 5 को आप 0 पर लेकर आएंगे। तो जब ये 0 पर आएगा तो इस 12 मैग्नेट की, इस 12 मैग्नेट की जब आप पोजिशन नोट करेंगे, तो ये मान लीजिए ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, तो जो वैल्यू आएगी आप उसे यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरीके से जो है आप क्या करेंगे, फिर आप नेगेटिव पोलरिटी रखेंगे, नीचे जाएगा तो आप नीचे रहेगा, तो फिर से आप जो है इसे अप्लाई करिए, ठीक है। इसको जो है अप्लाई करेंगे तो इसको जो है आप पलट के अप्लाई करें, जो ये वाला पोर्शन था अब इसे ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे इसे पलट दीजिए। पलटने पर जो है आप जब आप जो है जब नज़दीक लेके आएंगे, तो ये जो नेगेटिव में गया है वैल्यू, ये आपका जो है 0 पे आएगा, तो उस टाइम पे वैल्यू होगी वो आपका R2 आ जाएगा, या वो सॉरी R3 हो जाएगा और ये R4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कैथोड ट्यूब को आप हटाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो कंपास है कंपास को बीच में रखेंगे, उसके थ्रू जो है आप देखेंगे, तो R1 R2 की वैल्यू जो रखी थी वो यहाँ पे रखी है, तो उसके थ्रू आप क्या देखेंगे, डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। मान लीजिए ये 0 था तो यहाँ से इतना डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, और यहाँ से था तो यहाँ पे जो है इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे पुट अप कर लेंगे, सेम प्रोसेस आप R3 और R4 के लिए करेंगे, ठीक है। कि कोशिश तो ये करूँ कि आपको यहीं पे बता दूँ, लेकिन देखिए आप जितना आप समझ सकते हैं आप इसमें समझिए, बाकी मैं प्रैक्टिकल वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा ये क्या है यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, उसके बाद अब आपका आता है, आपने प्रैक्टिकल ये तो आपने निकाल दिया टेबल, अब टेबल में जो वैल्यू निकाल लिया उसे आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यू नो दैट स्पेसिफिक चार्ज फाइंड आउट करने का तरीका जो है आपका डेल्टा एल, या फिर मैंने आपको पहले बताया वाई में कितना डिफ्लेक्शन हुआ ये बताता है। वी वोल्टेज कितना अप्लाई करते हैं, बाकी सबकी वैल्यू पुट अप कीजिए, आंसर निकालिए। 6 डेल्टा एल की वैल्यू 6, वी की वैल्यू आपने ये 6 क्योंकि सेंटीमीटर में था उसको मीटर में चेंज किया होगा, ठीक है, सॉरी 6 मिलीमीटर में था इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, ठीक है। और ये आपका 5 है, 5 वोल्टेज आपने अप्लाई किया, बाकी इन सब की वैल्यू पुटअप कीजिए। और एक चीज बता दो, इसकी वैल्यू पुटअप आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए टेन थीटा चाहिए ना, थीटा आप यहाँ से निकालेंगे, थीटा में थीटा की वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो 1060 आएगा, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, मिलीमीटर का सेंटीमीटर, 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 की वैल्यू पुटअप कीजिए और आंसर निकाला तो आपका ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना है, इतना, और स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी कितनी होती है, इतनी, तो ऑलमोस्ट थोड़ा जो है एरर आया है। अब आप एरर कैसे निकालेंगे, एरर निकालने का है कि आपका प्रैक्टिकल कितना आया माइनस थियोरटिकल अपॉन क्या आता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल माइनस थियोरटिकल अपॉन प्रैक्टिकल इंटू आपका क्या आता है 100, ठीक है। तो ये यहाँ से जो आपके वैल्यू प्रैक्टिकल माइनस थ्योरेटिकल अपन प्रैक्टिकल इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो आपको कितना रहेगा, वो आपकी एरर आ जाएगी, जितनी भी आपकी एरर आएगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मैंने नहीं निकाली, ठीक है। और उसके बाद आप चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको साफ ही दिख रहा होगा, थोड़ी बहुत एरर तो है ही, ठीक है। अब देखिए प्रिकॉशन और सोर्स ऑफ एरर आते हैं, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इन प्रिकॉशंस में आपको उन बातों का ध्यान रखना होता है जब आप इस प्रैक्टिकल करने जाएंगे, तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये, ठीक है। या प्रैक्टिकल वाले में तो आप इन प्रिकॉशंस को लास्ट में लिखते हैं, बट लेकिन आप जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे इसको, तो उस समय आपको इन सभी बातों को पहले जो है याद रखना होगा, फिर आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, चेक आउट ऑल द ऑपरेटर्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले सभी ऑपरेटर्स को चेक कर लेंगे सभी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वन इज दैट रीडिंग शुड बी टेकन केयरफुली, आप ठीक तरीके से रीडिंग लें, ठीक है। एंड थर्ड वन इज दैट पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट शुड बी नोटेड केयरफुली, ठीक बात है, सबकी पोजीशन आपको ठीक तरीके से मेजर करनी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो एरर बता सकता है, ठीक है। और देन फोर्थ वन इज दैट कि डू नॉट ब्रिंग एनी अनदर मैग्नेट मटेरियल नियर ड्यूरिंग प्रैक्टिकल प्रोसीजर, अब देखिए क्या है कि उसमें मैग्नेट तो ऑलरेडी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अपना मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, अगर आप दूसरा मैग्नेट लेके जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, जो कि आपके पूरे ही प्रैक्टिकल को और जो उस प्रैक्टिकल थ्रू आप रीडिंग निकाल रहे हैं उसे गलत कर देगा, तो इसके आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल उसके पास नहीं लेके जाएंगे, ठीक। तो आज का ये प्रैक्टिकल जो है यहीं खत्म होता है, आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा, बाकी जो इसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आएगा तो दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं जब प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें इन सभी को ठीक तरीके से फोकस कर दूंगा जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।